नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है। 11वें राउंड के बाद सपा प्रत्याशी आगे। सपा प्रत्याशी 15,733 वोट से आगे चल रहे हैं। जी हां, सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि डुमरी उपचुनाव की अगर बात करें तो वहां भी मतगणना जारी है। डुमरी में 19वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। 19वें राउंड के बाद इंडिया गठबंधन आगे। इंडिया गठबंधन बेबी देवी 8,368 वोटों से आगे चल रही है। तो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी को अब तक 76,763 वोट मिले। वहीं एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी को अब तक 68,395 वोट मिले। तो उपचुनाव को लेकर वोटिंग आप देख रहे हैं कि यहां पर काउंटिंग जारी है। और घोसी उपचुनाव जिस पर देखिए पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी उपचुनाव जिस पर पूरी निगाहें टिकी हुई थी, सपा प्रत्याशी आगे, क्या समझें? और सबसे बड़ी बात है कि इसको सेमीफाइनल भी समझा जा रहा है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, क्योंकि पहला ये उपचुनाव और इसीलिए नाक की लड़ाई बन गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कहें या इसको यूं कहें कि ये गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन है उनके ये पहले उम्मीदवार थे घोसी उपचुनाव में, क्योंकि न केवल कांग्रेस के अजय राय ने बल्कि राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, जितने भी सहयोगी दल थे इंडिया के, सभी ने समर्थन किया था। तो ये माना गया था कि ये इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, क्योंकि दूसरी तरफ खेमे में जहां पर दारा सिंह चौहान थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको बार बार एनडीए का उम्मीदवार कहा जा रहा था, क्योंकि जितने भी सहयोगी दल थे लगभग सभी पहुंचे थे, चाहे वो निषाद पार्टी के हो या ओम प्रकाश राजभर, तो लगातार कैंप ही करते रहे। दूसरे तमाम सहयोगी दलों ने भी समर्थन किया, अपना दल के लोगों ने भी मंच साझा किया था। तो ये लड़ाई तो एक तरीके से एनडीए बनाम इंडिया की हो गई थी, और ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव के नतीजे ये साबित कर देंगे कि किसका पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी है, एनडीए या इंडिया का। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम, तमाम करीब करीब दो दर्जन से ज्यादा मंत्री, संगठन के तमाम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी। दूसरी तरफ सैफई कुनबा पूरा लगा हुआ था, लगातार प्रचार चल रहा था। लेकिन जो नतीजे आपको अपडेट कर दूं मैं, 15वें राउंड की गणना पूरी हो चुकी है जी। और सुधाकर सिंह 58,771 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं और 38,586 वोट दारा सिंह को मिले, यानी 20,715 वोटों का अंतर है। विधानसभा चुनाव के अगर लिहाज से देखें तो ये अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। और चूंकि हालांकि अभी लगभग लगभग 20 राउंड की मतगणना अभी होना बाकी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कह सकते हैं कि करीब करीब आधी मतगणना पूरी हो चुकी है, उसमें जिस तरीके की बढ़त दारा सिंह चौहान ने, माफ कीजिएगा, सुधाकर सिंह ने बनाई है, तो निश्चित तौर पर दारा सिंह चौहान के लिए एक बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, या एनडीए के लिए कह सकते हैं कि बहुत उत्साहजनक परिणाम ये नहीं। हालांकि अभी नतीजे आना बाकी है, लेकिन हम एक बात आपको और बता दें कि ये खाली अभी नहीं, किसी वक्त 15 राउंड में आके सुधाकर सिंह आगे हुए, जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी उसी वक्त से बढ़त बना ली थी। पहले 500 की बढ़त थी, फिर 700 की, फिर 800 की, फिर 1,000, 1,200, ऐसे करते करते जब 15वें राउंड की गणना पूरी हुई तो करीब करीब देखिए 20,000 मतों का अंतर आ गया है। यानी हर एक राउंड में सुधाकर सिंह आगे थे, तो ये माना जा रहा है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा और सुधाकर सिंह की स्थिति बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए पहली जीत कह सकते हैं अगर सुधाकर सिंह जीत जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि टक्कर कांटे की नहीं कह सकते आप जी, ये कह सकते हैं कि सुधाकर सिंह काफी बढ़त पे हैं, जिसको हम लोग मान रहे थे कि मुकाबला बहुत टफ होगा, अगर हार जीत होगी तो 200, 400, 500, 700 वोटों का अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 1-2 हजार नहीं, करीब करीब 20,000 मतों की बढ़त है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि इंडिया के खेमे में इस समय उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो बेहद खुशी का माहौल है। बिल्कुल मानस, समझने वाली बात यह है कि कई सारे देखिए फैक्टर हैं, और जैसा कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, माना यह जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन आप देखिए सुधाकर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, तो क्या बहुत सारे ऐसे फैक्टर और समीकरण यहाँ काम नहीं किया? क्योंकि आप देखिए राजभर लगातार कितना यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, पूरी जोर लगा दी थी, वो भी फैक्टर काम नहीं किया।
देखिए ओम प्रकाश राजभर, चूंकि जिस वक्त ये चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त किसी तरीके की बात कहना या किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलना ये उचित ना होता, लेकिन चूंकि अब मतगणना हो रही है और लगभग लगभग नतीजे भी आ रहे हैं, ऐसे में ये जो शुरुआती दौर पर जब जो हलचल शुरू हुई थी तो वहां पर लोग बहुत खुश नहीं थे। ये कहा जा रहा था कि दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से सपा में गए, फिर भाजपा में आ गए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, फिर सपा के साथ हुए, फिर भाजपा के साथ आ गए। तो देखिए एक विश्वसनीयता का भी एक सवाल होता है और आम जनता इसको समझती है कि ये बार बार पलटी क्यों मारी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक असहज महसूस कर रहे थे मतदाता। जब मैं मतदान के दिन वहां पर था घोसी में तो लोग हमसे ये कह रहे थे कि अभी 1.5 साल हुआ नहीं, फिर दोबारा लाइन लगानी पड़ रही वोट डालने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जिस दिन मतदान हो रहा था तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक तो लाइन लगा करके वोट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के वोटर्स मुझे नहीं लगा कि इतना उत्साहित थे, क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज भी 50% के आसपास गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम लोग आसपास के जिलों में मौजूद थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर 60-65% तक जाता ये मतदान तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राहत की सांस ले लेती, लेकिन मतदान का प्रतिशत कम होना भी एक वजह है। तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से माना जाए कि जो बीजेपी का वोटर था वो भी कुछ निराश सा लग रहा था।